2024 में अभी अगर आप कोई खुद की दुकान खोलने की सोच रहे हैं और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है यानी आपको लोन चाहिए, तो सबसे आसानी से दुकान खोलने के लिए लोन आपको कैसे मिल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है दुकान खोलने के लिए लोन कैसे लें, दुकान खोलने के लिए लोन कौन ले सकता है, कितना मिलेगा, इंटरेस्ट रेट क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों, चूंकि हम दुकान खोलने के लिए लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो दुकान खोलने के लिए लोन लेना यानी कि बिजनेस के लिए लोन लेना, आप दुकान खोलेंगे उससे आप खुद का कोई बिजनेस करेंगे। और आज के समय में अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प है, खासतौर पर छोटे और लघु व्यापारियों के लिए या कई बार मध्यम व्यापारियों के लिए भी, बिजनेस लोन का जो सबसे अच्छा विकल्प है वह है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। अब दोस्तों, अगर आप लोन आदि के बारे में थोड़ी भी सामान्य जानकारी रखते हैं तो संभवतः प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का नाम आपने जरूर सुना होगा। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि देश के जितने भी छोटे और लघु व्यापारी हैं उन्हें आसानी से आसान शर्तों पर और कम इंटरेस्ट रेट के साथ बैंकों से बिजनेस लोन मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आपको तीन विकल्प मिलते हैं, जिसमें पहला है शिशु लोन, जिसके अंतर्गत आप 50,000 रुपए तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है किशोर लोन, जिसमें कि आप 50,000 से लेकर 5,00,000 तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। और अंत में आता है तरुण लोन, यानी कि जिसमें आप 5,00,000 से लेकर मैक्सिमम 10,00,000 तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत जो मिनिमम लोन की अमाउंट है आप 50,000 या उससे कम भी आपकी जरूरत के हिसाब से, और इसके अलावा मैक्सिमम आप 10,00,000 तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की जो सबसे अच्छी बात है बिजनेस लोन के संबंध में, कि इसमें आपको जो बिजनेस लोन मिलता है वो पूरी तरह से कोलैटरल फ्री होता है। अगर आपके पास बैंक को कोलैटरल देने के लिए कोई भी संपत्ति आदि नहीं है तो भी आप इस प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आसानी से बिजनेस लोन ले सकते हैं। योजना के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें आप, जैसा मैंने बताया, 50,000 से लेकर मैक्सिमम 10,00,000 तक का बिजनेस लोन ले सकते हैं। लोन किसे मिलेगा, तो उसमें भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु जो है वह न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष, इसके बीच का कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने के लिए बिजनेस लोन अपने नाम पर ले सकता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत जो बिजनेस लोन मिलता है उस पर जो सामान्य इंटरेस्ट रेट रहता है वो जनरली 8 से लेकर 12% पर एनम का रहता है। एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, आपने कितने का लोन लिया है, कितने समय के लिए लोन लिया है, इसके अलावा बैंक के सामने जो आपकी क्रेडिबिलिटी है वो कैसी है, इन सभी बातों पर निर्भर होकर जो आपका एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट है वो फाइनल होता है। अब हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की। अगर आप मुद्रा लोन योजना के तहत दुकान खोलने के लिए एज अ बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो इनमें सबसे पहले तो वही सामान्य डॉक्यूमेंट आ जाते हैं जो कोई भी लोन लेने के समय में जरूरी होते हैं। इसमें पहला है कि ऑफकोर्स आपके जो लोन के लिए आप आवेदन करेंगे उसका पूरी सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको बैंक में सबमिट आप करेंगे। इसके अलावा पहचान पत्र, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा पता का प्रमाण, बेसिकली आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, जिसमें कि हालांकि आधार कार्ड वगैरह ही आ जाते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे सामान्य डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा अगर आप ITR फाइल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आपके जो बैंक अकाउंट है उसके पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक में देना होगा। इसके बाद इन सभी सामान्य दस्तावेजों के बाद मैं कहूं तो एक तरह से 2 जरूरी ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कि अगर आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मुद्रा लोन के तहत बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। हो सकता है इसकी जानकारी आपको बैंक से भी मिल जाएगी जब आप बैंक में आवेदन करने जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये जो दस्तावेज हैं इनकी मांग की जा सकती है। इसमें जो पहला है और जो सबसे ज़रूरी है वह है बिजनेस प्लान। बेसिकली अगर आप मुद्रा लोन योजना के तहत बिजनेस लोन चुकी लेने जा रहे हैं तो आपको बैंक को यह प्रमाण देना होता है कि आपका जो बिजनेस है वो उसे आप किस तरह से लेकर आगे बढ़ेंगे, बेसिकली आपकी दुकान को खोलने के लिए जो लागत है वह कितनी है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग है, इन सभी को लेकर आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होता है प्रॉपर, और बैंक में वह सबमिट करना होता है। अब यह जो बिजनेस प्लान है वह आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी जानकारी है तो उनसे बनवा सकते हैं, या फिर सामान्यतः जो CA होते हैं आपके आसपास या चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे जाकर आप उनसे बात करके ये बिजनेस प्लान बनवा सकते हैं, और सामान्यतः 1 से 2,000 रुपए के खर्चे में आपका ये जो बिजनेस प्लान है वो आपके लिए बना देते हैं, जिन्हें आप जाकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं, और वह एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होता है आपका लोन सैंक्शन के लिए, लोन अप्रूवल के लिए। इसके अलावा जो दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसकी बैंक आपसे मांग करे वह हो सकता है ट्रेड लाइसेंस। क्योंकि आप दुकान खोलने के लिए लोन ले सकते हैं तो जो दुकान चलाने के लिए जो एक कहें तो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ट्रेड लाइसेंस, वह कई बार बनवाना जरूरी हो जाता है। अगर आप नगर पंचायत
क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने NSE से जाकर संपर्क करके वह जो ट्रेड लाइसेंस है वह भी आसानी से बनवा सकते हैं। तो इतने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दुकान खोलने के लिए लोन लेते वक्त आपको बैंक में देने पड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कई बार हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की मांग भी बैंक आपसे कर सकता है, और चूंकि आपको लोन चाहिए, बैंक का अप्रूवल चाहिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपसे मांग की जाएगी आपको वह जो भी जिस तरह से भी हो सके जुगाड़ करके वहां पर उस टाइम बैंक में सबमिट करना होगा। तो अब अंत में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप दुकान खोलने के लिए पीएम मुद्रा लोन लेना चाहते हैं या लेने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, फाइनली जो लोन है वो आपको किस तरह से मिलेगा, बैंक से कैसे अप्रूवल होगा और आपके खाते तक किस तरह से पहुंचेगा। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपके पास दोनों विकल्प मौजूद हैं। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें मुझे जो समझ में आता है उसमें ऑफलाइन प्रक्रिया ही आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगी। ऑफकोर्स आप जाकर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन जो है वो किसी भी बैंक की वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से ऑनलाइन जो है मुद्रा लोन के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह भर सकते हैं। आपका जिस भी बैंक में खाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम SBI की बात करते हैं, तो आप क्रोम या कहीं पर भी जाकर SBI मुद्रा लोन अगर टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको ऊपर ही कहीं पर उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि SBI की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक होगी, जहाँ से आप जाकर ऑनलाइन वहीं से एप्लीकेशन फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। पर वहाँ जो प्रोसेस है वहाँ सिर्फ आवेदन प्रक्रिया तक ही सीमित है। एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया उसके बाद बैंक के पास रिक्वेस्ट जाएगा, फिर आपको बैंक जाकर विजिट करनी ही होगी, वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स की आपसे मांग की जाएगी वो आपको देने ही होंगे, तब जाके आगे की प्रक्रिया जो है वो होगी। और वहीं अगर हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसमें आपको ऑफलाइन में अपनी जो भी आपका बैंक है उसकी जो सबसे नज़दीकी शाखा है वहाँ इन पर्सन जाकर विजिट करना होगा, बैंक के कर्मचारी से बात करना होगा कि आपको मुद्रा लोन चाहिए, इसके लिए वहाँ से उसके बाद आपको निर्देश दे दिए जाएंगे, आपको ऑफलाइन वहाँ से फॉर्म दिया जाएगा जो आपको भर के वहाँ पे सबमिट करना होगा सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगेन जैसे मैंने कहा, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेनली यहाँ पर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया उतने डॉक्यूमेंट्स में आपका काम आसानी से हो जाना चाहिए। तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, एक बार जो है आप सारी चीज़ें बैंक में सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो है अप्रूवल के लिए एक तरह से कहें तो आपका जो एप्लीकेशन वो ऊपर जाएगा प्रॉब्लम बैंक मैनेजर आदि के पास, और वहाँ से जब सारी चीज़ें सही रहती हैं, सारी चीज़ें सही वेरीफाई हो जाती हैं, तो उसके बाद अगर वहाँ से आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो फिर ऑलमोस्ट विद इन 7 to 8 वर्किंग डेज जो लोन की रकम है वह आपके खाते में आ जाती है। यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात आती है कई बार, जिसके बारे में बहुत से लोगों को या तो कहें पता नहीं होता या कई बार बहुत लोग इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते, पर यह बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि आप जिस भी बैंक पे जाकर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस बैंक के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। संबंध इन द सेंस में कहूँ तो जो कि आपका जो भी बैंक है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, मोस्ट प्रोबेबली आप उसी से जाकर मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपके खाते में किस तरह का ट्रांजैक्शन है, बेसिकली अगर आप रेगुलर है कि नहीं एक तरह से कहीं अपने खाते में, तो वहाँ पर जाकर आपके बैंक से संबंध जितने अच्छे होंगे ना, आपको लोन उतनी ही आसानी से मिल जाएगा। जब आप बैंक में जाकर बैंक के कर्मचारी से बात करेंगे इस लोन के संबंध में, तो अगर वो आपको पहले से जानता है या आपकी पहचान वहाँ पर उसमें अच्छी है, तो लोन जो है आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यह बात बहुत ज़रूरी होती है कि कोई भी लोन लेने से पहले अगर आप बिल्कुल एज अ न्यू कस्टमर किसी भी बैंक में जाकर लोन के लिए देंगे आवेदन करेंगे तो जो प्रोसेस है वो तो उसी तरह से आगे बढ़ेगा, पर चूंकि वहाँ पर आपकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो वहाँ पर आपके चांसेस कम होंगे इन कंपैरिजन टू ऐसे किसी बैंक में जाकर आवेदन करना जहाँ पर आपकी पहचान अच्छी है, बैंक के साथ, बैंक के कर्मचारियों के साथ आपके जो बिजनेस के संबंध है वो अच्छे हैं। तो यह बात भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप दुकान खोलने के लिए लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, यहाँ पर मुद्रा लोन लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखें आप उसी बैंक में लें जिसमें आपका खाता है, चाहे वो सेविंग हो या बिजनेस हो, और जिसमें आपका रेगुलर ट्रांजैक्शंस होता है। तो अगर आप वहां जाकर आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स कम भी होते हैं तो वहां से आपको अच्छे से दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे कि आप किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को लाना है, किस तरह से आप सबमिट करेंगे तो किस तरह से आसानी से आपका लोन पास हो जाएगा। तो दोस्तों, यही कुछ जानकारी थी कि आप दुकान खोलने के लिए लोन कैसे ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, दुकान खोलने के लिए लोन लेना एक बिजनेस लोन है, और बिजनेस लोन आज के समय में उसका जो सबसे अच्छा विकल्प है वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का ही है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी होगी कि यह क्या है, किस तरह से काम करता है, बेसिकली आप कितने का लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।